वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पंछी प्रवास, पंछी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। भारत में कई जगह हैं जहाँ हर साल पंछियों का आना जाना होता है। चुपी चोर उसी में से एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर साल कई परजाई पंछियाँ आना पसंद करती हैं। तो चलते हैं चुपी चोर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले। चुपी चोर आने के लिए सबसे पहले आपको पूर्वस्थली स्टेशन आना होगा। अब कटवा लोकल हावड़ा या बैंडल जंक्शन से अवेलेबल है। आप बाय रोड के लिए आप गूगल मैप फॉलो कर सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य सुदूर की यात्रा कर फिर अपने घर को लौट आता है, ठीक उसी भांति पंछी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर और शरद ऋतु किसी दूसरे स्थान में व्यतीत कर न केवल अपने ग्रीष्म निवास क्षेत्र में ही पहुंच जाते हैं, बल्कि अपने पतित घोंसले में भी पहुंच जाते हैं। उष्ण रक्ता पंख उड़ान की अद्भुत शक्ति के कारण चिड़ियों में स्थान परिवर्तन करने की क्षमता का विकास बहुत अधिक हुआ है। यद्यपि अन्य प्राणियों की अपेक्षा पंछी अत्यधिक शीत और अत्यधिक उष्णता दोनों के प्रति सहनशील होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की भी स्थान परिवर्तन बराबर होता रहता है, जो आहार पर प्रभाव डालने वाली स्थानीय परिस्थितियों जैसे गर्मी, सूखा या बाढ़ इत्यादि, अथवा किसी विशेष प्रकार के फूल लगने और फल पकने की ऋतु के कारण होता है। उस समय चिड़िया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। कुछ चिड़िया देश के अंदर में ही एक भाग से दूसरे भाग में स्थान परिवर्तन करती है, जैसे साहा बुलबुल या दुबे न्यू पैराडाइज फ्लाई कैचर, सुनहरा पुला, गोल्डन ओरियल और नोरंग पीटा। यह स्थानीय प्रवचन देश के उत्तरी भाग या पहाड़ों की तलहटी में अधिक होता है, जहां भूमध्य रेखा की उपेक्षा ऋतु परिवर्तन में अत्यधिक प्रभावकारी होता है। वास्तविक प्रजनन करने वाली चिड़ियों की भांति इनमें भी प्रवचन क्रमिक और नियमित होता है। देश के किसी भाग में कोई जाति ग्रीष्म ऋतु में, कोई जाति बरसात में और कोई जाति शरद में आगमन करती है। प्रजनन करने वाली चिड़ियों की गति विभिन्न चिड़ियों में विभिन्न होती है और यह गति कई बातों जैसे वायु की दिशा, मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। बत्तखों और हंसों में उड़ान की गति 64 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे पाई गई है और अनुकूल मौसम में यह गति 90 से 97 किलोमीटर या इसके अधिक पाई गई है। दिन रात निरंतर उड़कर यात्रा करने वाली चिड़िया में यह गति 9.5 से 17.7 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रजनन का लक्ष्य स्थान कैसे निर्धारित होता है और चिड़िया इस गंतंत्र स्थान का रास्ता कैसे मालूम करती है, इनका अनेक प्रयोगों और पर्यवेक्षणों से भी अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका है।